दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब तक 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हम इस वक्त चिन्नीगाम कुलगाम एरिया में हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जो है आज 4 बजे से लगातार जारी है। इस वक्त भी आप सुन सकते हैं दोनों तरफ से जो गोलाबारी है वो हो रही है, फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि इस इलाके में 4 से 5 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और उसके बाद एक कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो छुपे बैठे मिलिटेंट हैं उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों पर सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिससे बाद में एनकाउंटर शुरू हुआ और वो अभी तक जारी है। ड्रोन कैमराज के जरिए फिलहाल सुरक्षा बलों ने 4 मिलिटेंटों की डेड बॉडीज जो है वो देखी है और उन्हें बाहर निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर इस वक्त जो है आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। ये चिनीगाम फिसल कुलगाम का इलाका है जहां पर इस वक्त जो है ऑपरेशन चल रहा है, और यहां आप देख सकते हैं भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इस ऑपरेशन में शामिल है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन है और लगातार दोनों तरफ से जो है वो गोलियां चल रही हैं, दोनों तरफ से ट्रापड़तोड़ फायरिंग हो रही है। इसके साथ साथ मोटरगाम कुलगाम के इलाके में भी सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के दरमियान जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है। वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मिली थी कि 2 से 3 आतंकवादी छुपे बैठे हैं, उसके बाद ही एक सर्च ऑपरेशन वहां पर भी शुरू किया गया था, और उस सर्च ऑपरेशन में मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में एक भारतीय सेना के एक जवान को गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उनकी मौत हुई। फिलहाल दोनों जगहों पर जो है ऑपरेशन जारी है और जानकारी मिल रही है कि 4 आतंकवादियों को फिलहाल इन ऑपरेशंस में मार गिराया गया है। कैमरा पर्सन मीर महराज के साथ सोहेल, कुलगाम। تو سکیاش بالا یسن